पैदल चलकर उनके पास फुर्सत है जाने के लिए रावड़ी जी की आवाज पर इफ्तार की पार्टी में, पर पैदल चलकर उनके पास जाने की फुर्सत नहीं है उन एसटीईटी के छात्रों के पास या उन अभ्यर्थियों के पास। और इसके लिए जिम्मेदार एकमात्र व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार की विडंबना बन गई है भैया कि हमारे पास आज की तारीख में चर्चा करने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बच गई है। क्यों राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, भाई जो आज की तारीख में है वो बनकर क्या उखाड़ पा रहे हैं बताएं तो। बस मेरे बिहार को बख्श दें, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, रूस के राष्ट्रपति बने, यूएन के जनरल सेक्रेटरी बने, जो बनना बने, बस मेरे बिहार को बख्श दें। ताकि लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। जी हां, चिराग पासवान अपने समस्तीपुर दौरे से पहले नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया और कहा है कि बिहार को फिलहाल नीतीश कुमार बख्श दे, वो दिल्ली चले जाए या फिर रूस के राष्ट्रपति बन जाए या फिर अमेरिका के जनरल सेक्रेटरी बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल वो बिहार में मुख्यमंत्री है लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर रह करके वो बिहार का भला नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। चलिए, एक सवाल है चिराग जी की, राजद की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर देती है कि वो उपराष्ट्रपति बने तो नीतीश कुमार कभी भी इस ऑफर पर ठुकराएंगे नहीं। देखिए, कुर्सी का तो वो प्रबंध पहले करते ही है, उनकी चिंता भाई जब से सरकार बनी है, कब 2020 में परिणाम आए थे ना 10 नवंबर को, तब से लेकर अभी तक चर्चा सिर्फ इन मुख्यमंत्री के बारे में ही है कि ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे तो उपराष्ट्रपति बनेंगे, नहीं बनेंगे तो राष्ट्रपति बनेंगे, इस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन में रहेंगे। बिहार में 19 लाख रोजगार की बात कौन कर रहा है इस चर्चा में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर रहे हैं क्या? पैदल चलकर उनके पास फुर्सत है जाने के लिए रावड़ी जी की आवाज़ पर इफ्तार की पार्टी में, पर पैदल चलकर उनके पास जाने की फुर्सत नहीं है उन एसटीईटी के छात्रों के पास या उन अभ्यर्थियों के पास या जो सड़क पर बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या जो युवा बेरोजगारी की वजह से दर दर भटक रहा है। पूरा ध्यान आज की केंद्रित में बिहार की राजनीति, और ये सबसे बड़ी विडंबना है बिहार की, और इसके लिए जिम्मेदार एकमात्र व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार की विडंबना बन गई है भैया कि हमारे पास आज की तारीख में चर्चा करने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बच गई है। क्यों राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, भाई जो आज की तारीख में है वो बनकर क्या उखाड़ पा रहे हैं बताएं तो, वो बनकर वो प्रदेश में क्या कर पा रहे हैं, ना रोजगार दे पा रहे हैं ना शिक्षा दे पा रहे हैं। बिहार में रोज लोग मर रहे हैं भाई, रोज लोग मर रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैं यहाँ पटना में हूँ, रोज किसी ना किसी जिले में, अभी भी हम लोग जा रहे हैं समस्तीपुर हम लोग जा रहे हैं, फिर उसके बाद वैशाली हाजीपुर का कार्यक्रम है, कल हम लोग जा रहे हैं गोपालगंज और उसके बाद औरंगाबाद कल ही शाम को, रोज हम लोग दो दो तीन तीन जिले का हम लोग दौरा कर रहे हैं। क्यों? आपकी बदहालियों की वजह से, जिस तरीके से बिहार में आपने व्यवस्था बना रखी है। तो हकीकत तो है ही, तो जो राजद कह रही है गलत क्या कह रही है, सही कह रहे हैं ये लोग। भाई मुख्यमंत्री पहले अपनी अगली कुर्सी का बंदोबस्त करते हैं तब वो पिछली कुर्सी का त्याग करते हैं। 2017, भाई किसी भी नेता के भविष्य को देखना हो ना, उनकी कार्यशैली को देखिए, इतिहास देखिए उस नेता का, किस तरीके से कामकाज रहा है उनका, तो 2017 उसका उदाहरण है। भाई पहले जब तक क्लियर नहीं हुआ कि एनडीए इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगी तब तक वो राजभवन गए नहीं, जैसे ही क्लियर हो गया राजभवन गए रातों रात, अगले दिन सुबह किसी के उठने से पहले फिर वो एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री बन गए। तो अब अगर उपराष्ट्रपति का अगर उनको ऑफर आएगा क्यों वो ठुकराएंगे भाई, चले जाएं बस वो बिहार से, कहीं जाएं, बस मेरे बिहार को बख्श दें। राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, रूस के राष्ट्रपति बने, यूएन के जनरल सेक्रेटरी बने, जो बनना बने, बस मेरे बिहार को बख्श दें ताकि बिहार में हम लोग काम कर पाए। दिल्ली चले जाएंगे तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे जेडीयू से? किन से भाई, मेरे रिश्तों का उनसे क्या लेना देना, और मेरे रिश्तों का बिहार की राजनीति से क्या लेना देना भैया, क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे उनसे रिश्ते अच्छे हो नहीं हो। बिहार को फ़र्क तब पड़ेगा जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, हम लोग बिहार में आकर जब हम लोग बिहार में रोजगार शिक्षा जिसकी हम लोग बात करते रहें, जब हम वो दे पाएंगे उससे बिहार में, मेरे रिश्ते मुख्यमंत्री से अच्छे हों बुरे हों उससे क्या फ़र्क पड़ता है बिहार को। तो सुना आपने चिराग पासवान को, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि वो जिस पद पर रह रहे हैं उस पद पर भी रहते हुए कोई काम नहीं कर रहे हैं, लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिंता है तो सिर्फ अपने कुर्सी पर। जब तक उनको कोई दूसरे कुर्सी का ऑफर नहीं मिलता है तब तक वो पहला कुर्सी नहीं छोड़ते हैं।
एनडीए के साथ वो लगातार रातों रात सरकार बना लेते हैं और महागठबंधन का साथ छोड़ देते हैं। उनके पास इतना टाइम रहता है कि वो पैदल चलकर इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही कदम पर एसटीएटी अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरना देते हैं, लेकिन उनके पास जाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टाइम नहीं है। तो चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते रहते हैं और आज भी नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया और कहा है कि वो कहीं चले जाए लेकिन बिहार को वो छोड़ दे, इससे बिहार का भला हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।